से। नहीं नहीं भाई, बोला ना मैंने, सीन हुआ मतलब हुआ। बाय। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल थ्रॉटल जॉकी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है सैटरडे और सैटरडे में हम रात में निकले तो आपको पता ही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी बता ही देते खैर, अगर नहीं भी पता चला तो। अभी हम जा रहे हैं टाउन साइड में बिकॉज अपने प्रणव भाई आ रहे हैं अपने से मिलने के लिए कार्टस पे एंड देखते हैं और कोई आता है तो फिलहाल जाते हैं टाउन साइड में। अपने को रेक्लेमेशन पे मिलने वाले प्रणव भाई और बाकी अगर कोई आता है तो वो अपने को कार्टस पे मिलेगा। बाकी आज का तो कुछ ऐसे ही प्लान है, मतलब मैं सब मैंने गियर्स वगैरह धो के रखे और मैं निकल गया। मैंने बोला कि चलो भाई अभी जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। चैनल मोनिटाइज हो जाता है तो कैसे फुल एकदम मोटिवेशन आता है काम करने का। मतलब इंसान बीमार भी रहेगा ना तो भी उठ के वीडियो बनाएगा, बोलेगा कि नहीं भाई चैनल मोनिटाइज हो गया तो अभी डालो वीडियो। मेरी ना बहुत गंदी आदत हो गई है यार, मैं सोचता हूँ कि नहीं आज किधर भी नहीं निकलना है, घर में बैठूँगा। फिर बाद में जैसे ही किसी का मैसेज आता है ना कि आज नाइट में बैंड्रा या कार्टस जाते हैं क्या, तो सीधा ना तुम्हारा थ्रॉटल जॉकी खड़ा हो जाता है कि चलो चलो चलो। और उसे अपने रोहन भाई कमेंट करते थ्रॉटल भाई तो फुल पावर में ही रहते हमेशा। मैं बोला वाह अभी क्या बोलूँ, लोग तो आज महाशिवरात्रि मना रहे हैं मस्त में एकदम। अरे भाई अपना तो ऐसा कुछ सीन है नहीं तो अपन थोड़ा हम ऐसा कुछ करें जिसमें हमको मजा आता है जो कि है राइड करना, तो हम निकल गए बाहर। आई होप आप सब रिलेट कर सकते हो कि मैं मतलब कैसा एक फील मिलता है राइड करके। तो मतलब अंधे की तरह घुस रहे, मैं उसके बच्चे के लिए रुका, स्लो हुआ, मैंने बोला कि चल स्लो हो जाता हूँ, बच्चा है हाथ में। वो तो चुमिया भाई तो और अंदर घुस रहे। तो अभी आया था दिवेश का फोन और वो बोल रहा था कि वो यहीं पे कहीं पे खड़ा है, अभी देखते हैं मिलते हैं उससे। उसने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया के आगे और ओबरॉय के पहले लेफ्ट्स में खड़ा है वो, तो इधर ही आगे कहीं पे होगा। उसने एक्चुअली नया एग्जॉस्ट लगा है तो वही मेरे को बताने के लिए फ़ोन कर रहा था। मिलते हैं भाई को भी, 100% ना पहले एग्जॉस्ट में मॉडिफिकेशन किया है पोलो में, क्योंकि नीचे उसका जो बैक बम्पर है वो पूरा जला हुआ है। आवाज़ सुना पहले से फर्क लगा? क्या बोलते ब्रो? हाँ तो क्या है, उठे सुटे जाके कुछ भी काम करवा के आ जाते रहे उठे सुटे? क्या करूँ तुमको फोन किया था भाई, मैं बोला फोन उठा के भाई किधर, मतलब अपन मिसल पाव खाए थे ना, हाँ उधर ही खड़ा था 2 घंटा खड़ा था मैं वहाँ पे। क्यों? मैं बोला तुम वहाँ से आओ तो फिर यहाँ से निकलते कर, मतलब मेरे से बात हुआ नहीं है और ये खड़ा है किधर भी, मैंने फोन उठाया नहीं और ये वहाँ पे खड़ा है। वैसा नहीं, मैं बोला मिल लेता अभी फोन करके। अबे तो तेरे को मालूम तो ना चाहिए कि मैं किधर हूँ, तो ऐसे किधर भी खड़ा रहेगा क्या मेरे लिए? अरे ज्यादा करके वहाँ पे रहते हो ना, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया रुका फिर फोन किया। तो अभी मिल गए हम लोग देवेश को भी, और देवेश को तो जाना पड़ेगा घर पे, उसका कल सुबह ऑफिस है, पर अभी अपन जाते हैं मिलते हैं बाकी के लोगों को। भाई लेकिन ये आवाज़ के ना सब लोग फैन हो गए, क्या फटाका मार रही है गाड़ी। क्या क्रेजी बैकफायर आ रहा है, कुछ तो सीन हुआ। नहीं ट्रैफिक है, अच्छा याद है लेफ्ट में जो घुसते ना यहाँ से उनके वजह से। नहीं नहीं भाई, बोला ना मैंने सीन हुआ मतलब हुआ। बाय। एक्सीडेंट हो गया खतरनाक।
में पहुंचते सिग्नल ग्रीन हो जाता ना भाई। तोड़ो तोड़ो सिग्नल तोड़ो, टूटेगी तुम्हारी। हाँ यहाँ पे हम पहुंच गए अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन, यहाँ पे जिंदगी में एक बार आना है और यहाँ की सबसे महंगी बाइक खरीदनी है। That is Kawasaki Ninja H2। लेंगे भाई लेंगे, एक दिन जरूर लेंगे। बाकी ये इधर आओगे ना थोड़ा स्लो आना, बिकॉज ये बहुत बम्पी है। मैं देखा था एक बार यहाँ से एक बंदा नीचे गिर गया था बेचारा, एंड ही वॉज डेड ऑन स्पॉट। सो प्लीज गाइस, सबसे पहले तो तुम हेलमेट वेलमेट पहन के ही चलाओ यार, जो भी अपने फॉलोअर्स है, जितने भी जो अपने को देखते हैं, और जस्ट रिक्वेस्ट कि हेलमेट पहन के चलाओ। और दूसरा ऐसी सब जगह पे एकदम स्लो कर लो, बाकी जहाँ पे तुमको सही रास्ता दिखे यहाँ पे भगाओ विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। एंड गाइज अगेन, मैं अगर कहीं पे भी फिल्टर वगैरह कर रहा हूँ तो आप मुझे देख के वो सब चीज़ें मत करो यार, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। एंड मतलब समझ रहे हो, ये बाइक मैंने 40,000 किलोमीटर चलाई है 2 साल में, 38,600 आपको दिख रहा होगा। तो मैंने 2 साल में ये गाड़ी उतनी चलाई है ना, तो ये गाड़ी मेरे हाथ में बैठी है और उतना मेरे को एक्सपीरियंस है। अगर मैं कोई नई गाड़ी हाथ में लेके चलाऊंगा ना ऐसे, तो मैं नहीं चला पाऊंगा। एंड इसके लिए मैं कभी वो सब चीज़ करूंगा भी नहीं। इसमें तो क्या अपने को भरोसा है, इनफैक्ट जो इसमें टायर्स भी है वो भी बेस्ट क्वालिटी के टायर्स डाले, और इसमें हल्का फुल्का भी कुछ काम रहता तो अपन जगह पे बनवा लेते हैं। तो मेरे को पता है कि मतलब बाइक की वजह से ऐसा कुछ क्रैश वैश नहीं होगा अपना, ब्रेकिंग वेकिंग एकदम प्रॉपर रखते हैं हम अपना, ABS एकदम सब वर्क कर रहा चाहिए। कभी भी अगर बंद हुआ तो उसको तुरंत जाके चेकअप करवा लेता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं उतना सब प्रिकॉशन लेता हूँ, तभी मैं ऐसा ये सब चीज़ें करता हूँ। तो मुझे देख के आप मत करिएगा, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ मतलब स्टंट्स वगैरह भी अगर आप सीख रहे हो, जैसे कोई व्हीली वगैरह मारता है रोड पे, तो रोड पे मत मारो, आप सेफ प्लेस पे आके मारो। अगर मेरे वीडियो में आप देख रहे हो कि और भी लोग व्हीली मारते हैं, तो वो सब मतलब सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास में, एंड दे नो कि भाई कब कहाँ पे कैसे क्या करना है। सो इसके लिए आप मतलब इन्फ्लुएंस होके आप कुछ मत करो ऐसे। तो अभी फाइनली पहुँच गए अपन रेक्लामेशन, और अपने को प्रणव भाई ने बोला कि यहाँ पे आ गया नाकाबंदी लगाए तो यहाँ पे रुकने नहीं देंगे। तो इसके लिए प्रणव भाई अपने नीचे रुके, ये सबवे क्रॉस करके वो साइड में, तो जाते हैं वहाँ पे। बस अपने को पकड़े ना यार। ओ भाई क्या साउंड था, फकिंग क्रेजी। बाकी अपने प्रणव भाई इधर ही किधर रहेंगे, उनको मैंने यहीं रुकने बोला था, पर शायद हो सकता है आगे चले गए थोड़ा। इधर तो नहीं है, किधर है भाई, रुकते जरा भाई के लिए। अपना प्रणव भाई भी आ गए, थोड़ा मिरर फ्लेक्स करते अपन, इतना महंगा जब भी डाला है तो खोलना तो बनता है। शाबाश शाबाश, रगड़ा रगड़ा। अरे रुका ही नहीं वो तो, ठोका और निकल गया, बंदे को पड़ी नहीं है कुछ अपनी गाड़ी। क्या सर चालू है? हाँ ये हमारा चॉकलेट बॉय वंश। हेलो, तो इधर मिल गए अपने दोस्त केयूर भाई और वंश भाई, अभी जाते हैं आगे। चल कहाँ जा रहा है, चल फिर साथ में ही चल। और प्रियांक आ रहा है। प्रियांक कौन? एमटी वाला। प्रियांक कौन का क्या? तेरे एरिया में रहता ना? मेरे को नहीं मालूम। प्रियांक जैन MT50। पता नहीं। आजा दीदी यार। प्रियांक कौन है? आगे आ गया। वो एक दोस्त है रे, आगे गया वो। क्या रे को फोन करने नहीं होता तेरे को रात को बाहर निकला तो? हाँ रुक रुक आ रहा हूँ मैं। इसका इतना आवाज़ कैसे आ रहा है भाई? मैं बोला ये कौन सा नया रास्ता निकला है, चढ़ाने नहीं आता होगा इसके लिए रुक गए तो। थ्रॉटल ना फुल खींचते ना जब तो मज़ा ही आ जाता है। पुलिंग द थ्रॉटल इज थेरेपी, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड थ्रॉटल जॉकी। आई नो इट वॉज लेम, सॉरी। केयूर किधर गया? आया
इसका इतना क्या आवाज़ आ रहा है? तो अभी निकल गए माउंट मैरी चर्च से और बैंड स्टैंड पे आए, देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। सामने ही पुलिस वाला खड़ा है क्या? गाड़ी किधर लगाएगा? तो अभी निकल रहे अपन बैंड्रा से भी। अभी प्लान ऐसा है कि हम लोग कार्टस से होते हुए पूरा घूम के अपन हम लोग जाएंगे अभी गेटवे ऑफ इंडिया, मतलब मरीन से होते हुए जाएंगे, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया पे थोड़ा कैसा है कि रात को थोड़ी देर बैठने देते हैं, बट मरीन लाइन्स पे शायद नहीं बैठने देंगे अभी। तो इसके लिए पहले हम गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। अरे रास्ता भी बंद ही है भाई, मुझे लगा अभी तक तो बना दिया होगा इन्होंने। मेरे वजह से बेचारा कूदा दिया ब्रेकर। ये देखो इधर ही सामने पुलिस का बड़ा वाला वैन खड़ा है। एकदम प्यार मोहब्बत में जाएंगे हम। बैरिकेडिंग तो है भाई, प्यार से जाने का अपने को कुछ सीन नहीं है। ओ भाई रिएक्शन क्या था भाई, लेकिन ये साउंड से ना मेरे को प्यार होने लग गया है। अब ऐसा लगता है इनलाइन फोर की जरूरत ही नहीं है भाई, अपने को यही बस है। मुझे ये है कि इनलाइन फोर जितना लाउड नहीं है, पर ठीक है भाई, और क्या ही चाहिए आपको इतने पैसों में, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। अरे भाई पुलिस वाले इधर ही खड़े, आगे ही खड़े पुलिस वाले, अपने घर से भी सीधा सीधा जाने का है। बच गए। ऑलराइट इधर क्या है, अंदर सब लोग जा रहे हैं। बाकी गाइस आप कमेंट करके बताओ कि आपको नाइट के व्लॉग्स पसंद है या फिर डे के व्लॉग्स पसंद है, बिकॉज हम दोनों ही डाल रहे हैं, और कुछ नाइट के वीडियोस भी अच्छे चलते हैं, कुछ डे के वीडियोस भी अच्छे चलते हैं। तो मेरे को मतलब ये जानना था कि आपको नाइट के वीडियोस पसंद है या फिर डे के वीडियोस। तो हम लोग क्या है फिर बाद में वैसे ही वीडियोस बनाएंगे। बाकी मुझे पता है कि जो अपने एकदम कट्टर ऑडियंस है ना, जो मतलब देखती देखती अपने सब वीडियो, चाहे वो अच्छा हो चाहे ना हो, चाहे थंबनेल में कोई इंटरेस्टिंग हो चाहे ना हो, उनको तो सब वीडियो पसंद आता है। और भाई तुम सब के लिए ना दिल से प्यार, दिल से प्यार। तो एक्चुअली मुझे ना यहाँ से अभी हाईवे का रास्ता नहीं मालूम है, तो इसके लिए हमने यू टर्न मार लिया, तो अभी हम लोग इधर से ही जाएंगे। बच गए मिशन पास। हाँ तो गोप्रो रख देता हूँ चार्जिंग पे, बिकॉज सिर्फ 8% ही बैटरी है इसमें अभी फिलहाल। तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मरीन लाइंस पे। मरीन लाइंस पे नहीं, अभी लाइब्रेरी के पास थे, अभी यहाँ से जाएंगे मरीन लाइंस, और अपने को अपने कुछ दोस्त मिल गए, मिलवाते हैं आपको भी उनसे, मतलब मेरे नहीं अथर्वा के दोस्त है, बट अभी अपने भी दोस्त है। अथर्वा तो आया नहीं, मतलब मैं ऐसे ही रुका था, एक चाय वाले को पूछा था कि भाई खाने के लिए किधर मिलेगा, उतने में राइट साइड से तीनों आए, बोलते कि अरे भाई पहचाना क्या, बोला अरे भाई तेरे कैसे भूलूंगा। मतलब हम लोग मिले थे पिछले लाइक 3-4 संडे पहले, हम लोग साथ में ही मरीन लाइंस पे मिले थे, जब भी अथर्वा आया था तभी वो लोग भी थे साथ में। आई गेस जिस दिन मैंने स्नैक्स के साथ में स्टोरी डाली थी ना, उस दिन की बात है वो, जिस दिन हमको स्नैक्स भाई मिले थे। क्या लगता है बैठने देंगे? लाइट चालू रखेगा क्या गाड़ी में? हाँ 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 क्या फोटो आ रहा है, वो अथर्व का भी लेना होंगे। मैं एक बार नाम बोलो अपना ऑडियंस को। हर्ष। हर्ष भाई तुम जय उसे ही बोलवा दो, मैं जरा नाम बताओ अपना। कौस्तुभ। कौस्तुभ भाई नहीं भाई, थैंक यू। हाँ
तो अभी इधर थोड़ी देर चिल करेंगे, आराम से बैठेंगे, थोड़ा मज़े लेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा मॉर्निंग का। देखते हैं हम लोग सुबह में बॉम्बे कॉफ़ी हाउस के साइड में जाएंगे शायद, ऐसी थोड़ा लाइनअप वहाँ पे लगाने के लिए। सो इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको मज़ा होगा, अगर थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो मेक श्योर यू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, राइड सेफ, वेयर हेलमेट एंड वॉच रियल कॉन्टेंट।